आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि देसी गाय का 1 किलो घी बनाने के लिए कितने लीटर दूध लगता है, और आप में से 99% लोगों को इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। और जब आप किसी से आंसर पूछोगे तो कोई बताएगा कि 30 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है, कोई बताएगा 20 लीटर से, कोई बताएगा 50 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। और हमारे कस्टमर लोग भी जब हमको कॉल करते हैं तो उनके सवालों की लिस्ट में भी यह सवाल ज़रूर शामिल होता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आज अपन फुल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि 1 किलो घी बनाने के लिए वास्तव में कितने लीटर दूध लगता है, और यह घी अपन बिलोना प्रोसेस से बनाएंगे, यानी कि दूध का दही जमा कर बनाते हैं उस प्रोसेस से, क्योंकि अपने फार्म पे डेली इसी प्रोसेस से घी बनता है और आपको भी वही प्रोसेस दिखाना है। तो अभी मॉर्निंग के टाइम पर गायों की मिल्किंग चल रही है और अपने फार्म पर राठी नस्ल की देसी गाय हैं, तो यह घी अपन इन्हीं राठी देसी गायों के दूध से बनाते हैं। और राठी गाय भी A2 काऊ होते हैं, A2 काऊ मतलब राठी गाय के दूध में भी A2 प्रोटीन होता है। तो आप लोगों को इतना अच्छा घी खिलाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग ही हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सारी मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है और हमने घी बनाने के लिए 30 लीटर दूध नापकर दोनों मिट्टी के बर्तनों में अलग अलग भर लिया है। दोनों में 15-15 लीटर दूध नापकर भर लिया है। अब आपको एक एक लीटर दूध नापकर तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ट्रस्ट में हमने 30 लीटर ही दूध लिया है। और 30 लीटर दूध हमने इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का और गूगल बाबा का यही मानना होता है कि 30 लीटर दूध से 1 किलो घी बन जाएगा, तो इस हिसाब से हमने 30 लीटर दूध ले लिया है। अब अगर इसमें कम या ज़्यादा घी बनता है तो उस हिसाब से अपन लास्ट में कैलकुलेशन निकाल लेंगे कि 1 किलो घी बनाने के लिए इतना दूध इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों मटकों को इन गोल शेप वाले चूल्हों पर रख दिया है और गोबर के सूखे उपलों पर यह दूध बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर दिन भर गर्म होता रहेगा, लगभग 6 से 7 घंटे के लिए। और साथ ही इनमें यह छोटा छोटा लोहे का टुकड़ा भी डाल देते हैं दोनों में एक एक करके। ये लोहे के टुकड़े हैं, इससे जब लास्ट में जो घी तैयार होगा उस घी में ये आयरन मिक्स हो जाएगा, क्योंकि घी में भी आयरन होता है और थोड़ी सी आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी जो कि अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट करता है। और अब इन दोनों को ढक देते हैं, फिर शाम को चेक करेंगे इनको। ये जो इनके ढक्कन हैं, इन ढक्कनों में होल होते हैं, ये देखो दोनों में होल हैं, तो इनसे जब दूध हद से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उन होल के ज़रिए एक्स्ट्रा भाप निकलती रहेगी, तो दूध उफन कर बाहर नहीं निकलेगा। शाम का टाइम हो चुका है और दिन भर हल्की हल्की आंच पर गर्म होने के बाद दूध में लालिमा आ गई है, दूध हल्का हल्का रेड कलर का हो गया है। और अब इस दूध को निकाल कर इस दूसरे मिट्टी के बर्तनों में भर दिया जाएगा, इनमें इसका दही जमाया जाएगा, क्योंकि दूध गर्म करने के बर्तन अलग होते हैं और दही जमाने के बर्तन अलग होते हैं। अब इन दोनों मटकों में थोड़ी थोड़ी खट्टी छार डाल देंगे, इससे सुबह तक पूरे दूध का अच्छी तरह से दही जम जाएगा। और अब मॉर्निंग में चेक करते हैं दोनों मटकों को। मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और ये देखिए आप कितनी अच्छी क्वालिटी का दही जमा है, क्या गजब चीज़ है यार, देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप में से बचपन में किसी ने दादी या नानी घर पे ऐसा दही या मक्खन खाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो क्या गजब का दही है। अब इस दही में ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर इसका बिलोना करेंगे। मैंने इसमें अप्रोक्स 3-4 लीटर पानी डाला है और इसका तब तक बिलोना करेंगे जब तक इसमें मक्खन नहीं निकल आता। हल्का हल्का मक्खन निकलना शुरू हो गया है। इसमें ये जो झाग जैसे दिखाई दे रहे हैं ना,
यही मक्खन है, थोड़ा सा और बिलोने से मक्खन अच्छी तरह से निकल आएगा। दही को अच्छी तरह बिलोने के बाद ये देखिए कितना अच्छा मक्खन निकला है, देखने से काफ़ी टेस्टी लग रहा है। मक्खन निकलने के बाद पीछे ये लस्सी बच गई। अब दोनों मटकों से हमने सारा मक्खन निकाल लिया है और अब इस मक्खन का वेट कर लेते हैं। उससे पहले मैंने खाली हांडी का वेट कर लिया था, तो खाली हांडी का वेट था 1140 ग्राम, तो ये माइनस कर दिया है। और अब बड़ी हांडी का वज़न कर लेते हैं, तो 30 लीटर दूध से अपना मक्खन निकला है 2 किलो 340 ग्राम, यानी कि 30 लीटर दूध से 2 किलो 340 ग्राम मक्खन निकल गया। और अब इस मक्खन को गर्म करके घी बनाएंगे। मक्खन को इस तरह चूल्हे पे गर्म कर लेंगे तो थोड़ी देर में घी बन जाएगा। अभी तो ये जो झाग जैसी दिखाई दे रही है मक्खन की झाग है, थोड़ी देर में सारा पकने के बाद घी बन जाएगा। घी बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए आप लोग। और अब इस घी को निथार लेंगे और निथार की जार में भर लेंगे, फिर इसका वेट करेंगे। हांडी में से सारा घी निथार लिया अपन ने, हांडी में अब पीछे कुछ नहीं बचा, बस थोड़ी सी लस्सी बची हुई है जो मक्खन के साथ मिक्स थी। और जो घी निकला वो है, एक तो फुल जार भर गया और एक थोड़ा सा जार भरा है। इसका वेट करने से पहले अगर आप हमारे फार्म से देसी गाय का बिलोना घी मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारी साइट का लिंक दिया है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर कोने में जो हमारी साइट का नाम दिखाई दे रहा है इसको गूगल पर सर्च कीजिए और वहाँ से ऑर्डर बुक कर दीजिए। और ऑल इंडिया होम डिलीवरी सर्विस है अपनी। और अब इस घी का वज़न कर लेते हैं। इससे पहले मैंने 2 खाली जार का वेट कर लिया है, तो 2 खाली जार का वेट बना है 920 ग्राम, तो इसको यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं। और अब इन दोनों भरे जार का वेट कर लेते हैं। दोनों घी से भरे जार का वज़न हुआ है 1 किलो 200 ग्राम, यानी कि अपने जो 30 लीटर दूध लिया था 30 लीटर दूध से 1200 ग्राम घी बना है, यानी कि 1 किलो घी बनाने के लिए अपना 25 लीटर दूध यूज हुआ है। किसी का यह 24 लीटर भी एवरेज आ सकता है, किसी का यह 26 भी जा सकता है, किसी का 27-28, लेकिन 25 के दाएं बाएं रहेगा। अगर कोई बंदा ये बोले कि 20 लीटर से 1 किलो घी बन जाएगा या 50 लीटर से 1 किलो घी बनता, तो उसकी बिल्कुल भी मत सुनना। और अगर इस देसी गाय के घी की कीमत की बात करें तो ऑन एवरेज दूध का कीमत, जो देसी गाय का दूध की कीमत होती है वो 50 से 60 रुपये लीटर के बीच में रहती है। और 25 लीटर दूध अपना यूज हुआ है तो लगभग 1500 रुपये का तो अपना दूध यूज हो गया, और उसके बाद इसको बनाने का मेहनत का खर्चा वो अलग। तो मार्केट में आपको एक अच्छा देसी गाय का घी 1500 से 2000 रुपये किलो के बीच में मिलेगा। और अब अपने जो 30 लीटर दूध लिया था उससे 1200 ग्राम तो घी निकल गया, और जो पीछे लस्सी बनी है अपनी लगभग 35 से 36 लीटर लस्सी बनी है, यानी कि 30 लीटर दूध था और उसमें हमने जब बिलोने के लिए पानी मिक्स किया था तो वो पानी भी उसमें ऐड हो गया, लगभग 5 से 6 लीटर हमने पानी ऐड किया था, तो 35 से 36 लीटर लस्सी बनी, यानी कि 30 लीटर दूध से 1200 ग्राम घी बना और लगभग 36 लीटर लस्सी बनी है। और जो लस्सी होती है वो अपने फार्म में छोटे बछड़े होती हैं उनको पिला देते हैं, क्योंकि लस्सी भी काफ़ी पौष्टिक होती है और गांव में लस्सी बिकती नहीं है, तो लस्सी का इधर कोई मार्केट नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।